हैं, कैसे हम अपने रूट से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े और जो हमारी पुरानी गोल्डन संस्कृति है उसको वापस लाए। चुके हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के और हम भी रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं सेमिनार हॉल में। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा सेमिनार दो दिन का मतलब वॉलंटियर ही मैनेज करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए सेंड जी जिग जैग लगा रहे, ये दोनों लोग, ये हमें मार दीजिए, पहली बार सेंड मार रहे हैं, सेंड से एलर्जी है मुझे, निकलेगा इसी से निकलेंगे हम सब। एक चीज़ है कि सभी लोग जितने भी रहेंगे वहाँ पी हाई स्टूडेंट रहेंगे और कुछ पीजी वाले रहेंगे, तो भी जस्ट ये हम सब का हाथी निकल रहा है और हाथी पे चलेंगे, आप सभी को दिखाएंगे पूरे। ठीक है, इतना भाई से भिन चुके हैं क्योंकि सेमिनार का हम लोग वॉलंटियर्स है भाई, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जैसे भी उम्र हाल में हम उसे जाए ताकि वहाँ पहुँच पाए, ताकि स्मूथ कंडक्ट करवा सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत कम लोग अभी आसपास दिख रहे होंगे कैंपस में, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं, 5 बजे उठ के सब्जी कर लिए उसके बाद उठते हैं। हम लोगों ने नाश्ता तक का परवाह नहीं किया कि भाई, लेकिन लगा कि चलो यहाँ बहुत सारे डेलीगेट्स आएंगे, अदर स्टेट से भी आएंगे, अदर सिटीज से, स्वागत करना। एक एक दिखे हैं, देखिए एक लोग दिख गए हैं, एक लोग दिख गए हैं, एक लोग दिख गए हैं अभी जस्ट पूरा इंडिया में। अभी कैन सी नोबडी हियर द एंटायर कैंपस, लोग स्क्रीन पर लगाइए ना जी, कौन मत जाइए, यहीं पे लगा दीजिए। यस, लग रहे हैं पूरा काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अविनाश भी हमारे बैठे हुए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहीं से चालू होगा, स्टार्ट होने वाला है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग 2-3 लड़के नीचे मिलने के लिए आए हुए, बहुत दूर से आए हैं, मिल लेते हैं, काम कहना है बात कर लेते हैं। ये भाई आए हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 1-2 कॉलेज से पढ़े हैं और एक चीज़ और गलतियाँ हैं, मतलब प्रॉब्लम है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी एक चीज़ जान लीजिए, किसी को भी मार्कशीट जहाँ सुधार करवाना या कुछ भी सुधार करना तो एप्लीकेशन ये मस्ट इम्पोर्टेंट है जो करवा के लाएंगे भाई, और हम चले सेमिनार में क्योंकि मुझे वहाँ प्रोग्राम है तो वहाँ पे रहेंगे, वो चीज़ करवा के लेके आइए, उनको दे दीजिए। कुलपति सर का आगमन हो चुके हैं, प्रणाम भैया, उद्देश्य ये है कि आज हमारे समाज में जो हम भौतिकवाद में आ गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं, धन और धनी और संपन्न बहुत हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मानसिक शांति नहीं है और खुशी नहीं है। आज के जो युवा है देखते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, घर टूट रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने रूट से अलग हट गए हैं, हम अपने कल्चर से अलग हट गए हैं, और इसमें क्रिएटिव आर्ट और लिटरेचर है एक बड़ा रोल प्ले करेगा हमें अपने कल्चर से, अपने रूट से जोड़ने में। तो इसलिए हम लोग ये सेमिनार में सभी लोगों को हमने बुलाया है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और इस पर डिस्कशन होगा कि कैसे हम एक शांत माहौल पैदा करें, कैसे हम अपने रूट से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े और जो हमारी पुरानी गोल्डन संस्कृति है उसको वापस लाए। मोर देन 300 participants एंड देर आर 150 फ्रॉम ऑनलाइन एंड अराउंड मोर देन 70
or say around 100 who are offline. And the resource persons also are from abroad. One Professor Tabish Khair is from Denmark, and there are others from Aligarh, Patna University, and one Professor Prabhat Kumar Singh is the Pro Vice Chancellor, retired Pro Vice Chancellor of Pune University. So it is 2 days का प्रोग्राम है, ये 27 और 28। आज इनॉग्रल के बाद हमारे टेक्निकल सेशंस शुरू होंगे, जो कि करीब करीब 7 टेक्निकल सेशंस हैं हमारे, और कल भी टेक्निकल सेशंस चलेंगे, और उसके बाद वैलेंटाइन होगा। ठीक, पर्ची एंड कल्मेना रोकते। ठीक, प्रोग्राम सफल हुआ। और देखिए, सभी को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अब कल जो है 28 तारीख को रहेगा, और बहुत सारे छात्र आते भी हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ठीक है वहाँ पर हिलाई आ जाएगा, और आज जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, और हमारे साथ जो भाई गए थे, 3 लोग गए थे, उन दोनों में से इनको भी आज मिल गया है। और देखिए इनका सर्टिफिकेट भी इनके हाथ में है, और देखिए दिखाएंगे और क्या क्या मतलब क्या कुछ ऐसा बताएंगे तो जो आप सभी को फ़ायदा भी लगेगा। तो इनके पास भी सर्टिफिकेट है, देखिए। और आज क्या क्या हुआ प्रोग्राम में, मतलब कुछ ऐसा बताइए। आपका भी था, आपका भी प्रेजेंटेशन था, तो उसमें आपको क्या क्या बताया गया, क्या क्या अच्छा लगा? क्योंकि सबसे पहले तो इसी सराय रोहित सराय उनका इनॉग्रेशन था सेमिनार का, इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन में सम्मिलित रहने के बाद फिर वहाँ पे सारा काम को निपटाने के बाद सेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पे वहाँ मैंने काम किया, सहयोग किया। उसके बाद फिर मेरा प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंटेशन में चला गया। तो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक था एक्सप्लोरिंग आर्ट्स एंड कल्चर एंड माइग्रेशन ए मैनिफोल्ड चैलेंज इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये मेरा टॉपिक था। इस टॉपिक को मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद और सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद मेरे मैडम के द्वारा, मेरी HOD हैं, उनके मैडम के द्वारा हमको सर्टिफिकेट दिया गया, और काफ़ी अच्छा लगा। कल तक सेमिनार है, कल भी जाके शामिल होंगे, कल भी अपना सहयोग देंगे। जो ये PhD वालों स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदा है, PhD स्टूडेंट वालों के लिए फ़ायदा है कि अगर आप 5 सेमिनार करते हैं, मिनिमम 5 सेमिनार करना होता है PhD कोर्स वालों को, 5 सेमिनार करते हैं तो उसके मार्क्स जुड़ते हैं, आपको सेमिनार का बहुत फ़ायदा होता है। सेमिनार करने से एक होता है कि आप लाइट में आते हैं, एक्सपोजर आपको मिलता है। ठीक, एक्सपोजर होने के बाद आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, चूँकि ये सब आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल करेगा। क्योंकि अब सेमिनार आ गया है, एनुअल सेमिनार है, तो जो भी हमारे PhD के स्कॉलर हैं, चाहे रिसर्चर हैं, जो PhD में इनरोल्ड हैं, वो देख रहे हैं, उनको तो हम कहेंगे कि सेमिनार में भाग लीजिए, या तो मगध यूनिवर्सिटी में हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप सेमिनार में भाग लें। सेमिनार में भाग लेने से बहुत एक्सपीरियंस होता है, आपको नए नए लोगों से परिचय प्राप्त होता है। नए लोगों से मिलने से आपको ये फायदा होगा कि आपको उनका ज्ञान प्राप्त होगा, उन्होंने कैसे क्या किया, क्या किया, क्योंकि आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको नए नए लोगों से पहचान बनेगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके टॉपिक के अनुसार आप किस तरह केसेस लिख रहे हैं, आपका रिसर्च पेपर क्या है, आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो जो भी PhD वाले हैं सोता है, तो जो PG वाले हैं हमारे इंग्लिश विभाग के, चाहे कोई भी विभाग के, और इस फील्ड में PhD कोर्स वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। सेमिनार आप अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करने से काफ़ी अनुभव प्राप्त होता है, और आपकी छुट्टी चाहे जो भी वाइस चांसलर है, प्रो वाइस चांसलर है, आप सबके नज़र में आते हैं, आप एक काम करने का आपको मौका मिलता है। यही बात के साथ हमारे पंकज भैया जैसा कि आप देखे भी, और रियलिटी में ये फैक्ट है, जैसे भी तो राहुल भाई भी काम कर ही रहे, हम और सनी भाई बहुत थक चुके हैं, क्योंकि हम सब में इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम रियलिटी में, क्योंकि कल भी काम, मतलब कल भी वर्क करना है। ठीक है, तो यही विराम करते हैं। हाँ, जैसा कि आज भी स्टूडेंट मेरे साथ मिलने आए बहुत सारे साथ, तो हम मिले भी सबसे, ठीक है, ऐसा नहीं मिलते हैं, सबसे मिलते हैं टाइम रहने के बाद। अभी लगभग 10 लोगों से भी रात में बात करें, क्यों, क्योंकि सबका पेमेंट आया हुआ है, तो सभी से बात भी करना है, और सबको जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बताना है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता, जय भवानी, श्री शिवाय, नमस्ते भी हम, और चलते हैं अब कल के लिए। आप सब बने रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बता दे रहे हैं, 2 दिन मेरे पास ही टाइम मिलता है, सैटरडे और मंडे को छुट्टी रहता है, इसके सिवा PhD कोर्स वर्क वालों का कहीं छुट्टी आई नहीं 6 महीने। ठीक है, बस 2 दिन छुट्टी रहता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।